नमो राघव जय श्री सीताराम। यह रामचरित मानस पाठ मैं अपने जगत गुरु जी चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी उसको पढ़ने और आप सबके साथ आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघव जय श्री सीताराम। पार्वती जी बड़े सुंदर प्रसंग के साथ पार्वती मैया शंकर भगवान से पूछ रही हैं। अब विवाह हो गया, सती जी का सब कुछ हो गया, उससे आगे का यह प्रसंग हम और आप श्रवण करने जा रहे हैं। असुर मारे था पै सुरने राकै निज सुत से तु जग विस्तारै बिसद जसे राम जन्म करेत। हे भोले बाबा, मुझे राम जन्म के कारण बताइए। भगवान राम का जन्म किस कारण हुआ आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब बोले बाबा क्या बोले, सोई जग गाए भगत भवत रही कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। सोई जस गाए भगत भवत रही, जिसके गाने से जो भक्त लोग होते हैं वह तार तर जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसीलिए भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, इसीलिए भगवान राम मनुष्य तन नर तन धर कर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। हे पार्वती जी, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका जन्म एक द्वय कहे ओ बखानी सावधान सुने सुमक भवानी। हे जगत जननी, राम जन्म के अनेक कारण हैं, आप सावधान हो करके इसे श्रवण कीजिए। हे जगत जननी, आप इसे श्रवण कीजिए। हे भवानी, यह राम जन्म के अनेक कारण हैं जिन्हें आप श्रवण कीजिए। ये कौन कह रहा है, यह भोलेनाथ कह रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेकाएं परम विचित्र एक ते का, राम जन्म के अनेक कारण हैं और सब कारण एक से एक बढ़कर हैं, सब विचित्र कारण हैं। हे जगजननी, हे पार्वती जी, और सब विचित्र हैं, सावधान हो करके सुनो। क्योंकि सावधान क्यों कह रहे हैं भोले बाबा, पिछले जन्म में आपको पता होगा जब सती जी और शंकर भगवान दोनों कथा सुनने के लिए गए थे, लौट के आ रहे थे, तो शंकर भगवान ने तो बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनी थी, लेकिन पार्वती मैया ने नहीं सुनी थी, इसलिए उनको मोह हो गया था, भ्रम हो गया था। इसीलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि सावधान हो करके सुनो, सावधान सुने सुमति भवानी। हे भवानी, बड़ी सुमति के साथ सावधान हो करके इस कथा को श्रवण कीजिए। यह कौन कह रहा है भोले बाबा, पार्वती मैया से कह रहे हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ जय और विजय जान सब को। भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका नाम एक का जय था और दूसरे का विजय था। ये दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल थे। विप्रश्रापते दोनों भाई तापस असुर देह तिन पाई। इनको श्राप लगा और श्राप के कारण से इनने असुर देह को धारण किया। कनक कश्यप और हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता। वही नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो कह रहे हैं,
इनके क्या क्या, एक तो प्रहलाद के जो पिता थे ना कश्यप वो हुए, ऐसे इनके दो जन्म और हुए थे, वही ये कौन थे, श्री हरि के जो द्वारपाल थे, जो रावण जब हुआ है वह तीसरे जन्म में हुआ है। मेन बात ये है, अगर उस कथा में चले जाएंगे तो फिर उसी कथा में पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर यह कथा आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए भगवान नारायण के जो दूत थे, इस रावण जो हुआ था वो उनका तीसरा जन्म था। देखो, भय निसाचर जायत हैं महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। एक कुंभकर्ण हो गया और एक रावण हो गया, जिसको सभी जानते थे और विजय करना जानते थे। ये बहुत महातेजस्वी, बहुत शक्तिशाली राक्षस हुए। स्वमुक्त न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रमाणा। हिणा कश्यपु भी बना था तब भी मुक्ति नहीं, क्योंकि इसने प्रहलाद पर बहुत जुर्म किए थे। इसको तीन जन्म का श्राप लगाता ना द्वारपालों को, इसलिए ये मुक्त नहीं हो पा रहे थे, ये बार बार जन्म ले रहे थे। और ये तीसरे जन्म में अब इनकी मुक्ति होगी रावण होके। का जब हम पाप कर लेते हैं तभी तो कहते हैं कि बार बार मुन जतन कराही अंतराम कहूँ आवत नाही। इसका मतलब तो ये बनता है कि इसका बहुत से लोग ये अर्थ लगा देते हैं कि बार बार मुन यतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही, यानी जीवन पर्यंत ऋषि महात्मा में कहते राम 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 रटते रहो, लेकिन हम मरते तो हमारे मुख से राम नाम शब्द नहीं निकलता, लेकिन ये अर्थ नहीं है इसका। इसका मतलब है अंत राम कहीं आवत नहीं, राम व राम कहने वाले मनुष्य इस धराधाम पर फिर कभी नहीं आते हैं। तो वही था कि रावण अंतवार में राम राम कह करके मरा था, तो तब उसकी मुक्ति हुई थी, यानी कि राम राम कहने वाले फिर इस धरती पर नहीं आते। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि सारे जीवन भर राम राम कहोगे और मरोगे तो मुँह से राम राम नहीं निकलेंगे, नहीं, अंत राम कहीं आवत नहीं। जो राम राम जपती हैं वो उनका जीवन अंत हो जाता है उसके जीवन पर, वो फिर इस धराधाम पर नहीं आते। इसका ये अर्थ है, ये नहीं है कि राम नाम मुख पे नहीं आता है। अरे एक बहुत गहराई और गूढ़ है रामचरित मानस, बहुत गूढ़ है, इसलिए इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। एक बार तिनके हित लागी, धरौ शरीर भगत अनुरागी, कश्यप अधित तहां पितु माता, दशरथ को से लावे ख्याता। एक कल्प यह वेद अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक वे दशरथ कौशल्या रूप में हुए, कौन हुए सुनो। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सबसन हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती अनु राधिप नारी, तय बल ताहि न जित्यो पुरारी। सती समान स्त्री उनके होते हुए भी शंकर भगवान उससे नहीं जीत पाए, किससे, क्या नाम है, जलंधर से। जलंधर से शंकर भगवान नहीं जीत पाए। तब फिर जब ये सतीमो की कथा लीला हुई, फिर सती जी का आपका सती रूप में शरीर समाप्त हुआ, अब आप पार्वती बनी, तब इसका वध हुआ जलंधर का। तो भगवान ने, भोले बाबा ने पार्वती जी से ये भी कह दिया, भरद्वाज मुनि ने याग बल्क मुनि ने भरद्वाज जी से कह दिया, चल कर डारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह, जब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। जालंधर मारने के लिए भगवान को छल करना पड़ा, क्योंकि उसकी पतिव्रता पत्नी कौन थी,
उसकी पतिव्रता पत्नी थी वृंदा। वृंदा के साथ भगवान ने छल करके उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। तब जालंधर का वध हुआ, तब उसने भी श्राप दे दिया कि आप मनुष्य हो जाओ। इस तरह से भगवान को भी इस धराधाम पर मनुष्य बन के आना था। उन्होंने कहा कि आप देव हो करके स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हो करके मनुष्य जैसे कार्य किए, इसलिए आप मनुष्य हो जाओ। यह वृंदा का भी श्राप था भगवान राम को। तासु श्राप हरि कीन प्रणामा, होत कनिधि कृपाल भगवाना। उसके श्राप को अंगीकार किया भगवान ने। ता जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयो। और भगवान राम ने उसको मार करके परम पद को दिया, वही जालंधर रावण बना। एक जन्म कर कारण एक, जय लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि नगनेरी। एक तो इस कारण से भगवान राम का अवतार हुआ, और दूसरा और सुनो देखो, क्योंकि भगवान के पहले चौपाई निकली है ना, उनके जन्म के अनेक कारण थे भगवान राम के, तो वही चल रहे हैं। तो एक तो ये वृंदा के साप के कारण भगवान राम को मनुष्य रूप में आना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तय लगे अवतारा। एक बार नारद जी ने भी श्राप दे दिया। गिरिजा चकित वही सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अब तो नाम एकदम पार्वती मैया चौंक गई, काय वजह से चौंक गई, पार्वती मैया चौंक गई। वैसे तो पार्वती जी के गुरु है नारद जी के, उन्हीं ने तो उन्हें ज्ञान मंत्र दिया था जिससे उन्हें तपस्या की थी और शिव को प्राप्त किया था। लेकिन गुरु के बारे में कभी अपन को कुछ गलत नहीं सुनना चाहिए, तो उन्हें सोचा कि इतने अच्छे ज्ञानी हमारे गुरुदेव भगवान ने क्यों श्राप दे दिया, वो तो इतने परम ज्ञानी है विष्णु जी के, इतने परम भक्त हैं, फिर भी क्यों श्राप दे दिया। अब तो मैया पार्वती जी चौंक करके पूछने लगी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमा पति कीना। किस कारण से श्राप दे दिया, क्या अपराध कर लिया रमापति ने, भगवान राम ने क्या अपराध किया जिस कारण से नारद जी ने श्राप दिया। यह प्रसंग मुझे कहे पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे भोलेनाथ, मुझे बहुत इच्छा हो रही है, मुझे बड़ा अचरज लग रहा है, नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया इस कारण से, आप मुझे बताएं नारद जी ने क्यों श्राप दिया और भगवान राम को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। यह प्रसंग मुझसे अवश्य कहिए, देखो मुनि मन को भी मोहित कर देता है, मेरा मन मोहित फिर से हो रहा है भोलेनाथ, इसलिए आप इस प्रसंग को कहिए। आपको जैसा भी है भावार्थ बोधिनी का या रामचरितमानस का प्रसंग लगा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय, जय जय श्री सीताराम। आगे के ब्लॉक में और आगे का प्रसंग सुने। जय जय श्री सीताराम। मोह एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े बड़े ऋषि महात्मा मनुष्य गंधर्व सब फंस जाते हैं यह मोह की। अब आगे भगवान भोलेनाथ बताएंगे पार्वती मैया को अगले ब्लॉक में कि किस कारण से उन्हें मोह हो गया और किस कारण से वो होगा। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।